देखो जरा, आई नो ये बात मुझे तुमसे बहुत पहले करनी चाहिए थी, शादी से पहले करनी चाहिए थी, पर पहले मौका ही नहीं मिला। देखो बोलो, मैं सुन रही हूं। जरा, आई लव यू सीरियसली, खुद से ज्यादा भरोसा मुझे तुम पे है। लेकिन घर के कुछ कानून हैं, कुछ उसूल हैं, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसूलों के साथ जेल में रह जाते हो, मैं घर में खुशी से रह जाता है। आई नो खुशी के साथ रहा जाता है, लेकिन अगर कानून ना हो, उसूल ना हो, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। देखो फ्रेंकली, डैड को तुम्हारा और साथ का मिलना अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक साथ ही तो है जो मेरा दोस्त है, और सिर्फ मेरा नहीं, हमारा दोस्त है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इस घर का ऐसा कौन सा उसूल तोड़ दिया है। इसलिए तो कह रहा हूं कि अगर साथ से मिलना है तो मेरे साथ मिलो ना, और इस घर में नहीं, घर से बाहर प्लीज। उमेर, तुम्हें शादी से पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम इतना जल्दी कैसे बदल सकते हो? मुझे तुम्हारा उसका मिलना पहले भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तब बात कुछ और थी। लेकिन अब, और अब बात यह है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम अब अपनी मर्जी मुझ पर मुसल्लत करोगे। ऐसा नहीं है जाहरा। देखो जाहरा, अभी तुम इस घर में नहीं हो, तुम्हें घर को, घर के असूलों को, डैड को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और जब ये हो जाएगा तब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं तुम्हारे भरोसे अपना सब कुछ छोड़ के आई हूं, और तुम सिर्फ एक साथ की वजह से मुझसे अपना पूरा रवैया बदल रहे हो। मैं रवैया नहीं बदल रहा तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ भी इतने प्यार से। Come on, जायरा, आई नो के साथ हमारा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ख्याल रखने को कह रहा हूँ। देखो थोड़ा तुम इस घर को समझो, थोड़ा डैड तुम्हें समझेंगे। आई नो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। प्लीज थोड़ा सा मैनेज करो मेरे साथ।